नमस्कार। हमने पहले देखा रिलेशन कैलकुलेशन ऑफ क्रिटिकल कांस्टेंट पीसी वीसी एंड टीसी। आज हम देखेंगे रिलेशनशिप बिटवीन टीसी एंड टीवी। एज वी नो टीवी इज इक्वल टू ए अपॉन आरबी एंड टीवी अपॉन टीसी इज इक्वल टू ए अपॉन आरबी डिवाइडेड बाय एट ए अपॉन 27 आरबी। और इसको सॉल्व करने पर हमारे पास आएगा 27 अपॉन 8 या 3.375। सो टीबी इज इक्वल टू 3.375 टीसी। अब हम देखते हैं कि वंडरवाल्स कांस्टेंट को हम जो रिलेशन हमने प्राप्त किए टीसी पीसी और बीसी, उनसे हम उन वंडरवाल्स कांस्टेंट की वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करें। तो आप देखिए, हमने पहले देखी थी इक्वेशन नंबर 4। उस इक्वेशन नंबर 4 को आप देखिए, इस इक्वेशन नंबर 4 से हम अगर इस ए की वैल्यू को कैलकुलेट करना चाहें तो आप देखिए ए की वैल्यू आएगी ए इज इक्वल टू 3 PC VC स्क्वायर। और इसी तरह से इक्वेशन नंबर 6 से, जो हमने पहले देखी थी, उस इक्वेशन नंबर 6 से हम बी की वैल्यू को निकाल सकते हैं। आप ये देखिए, बी आएगा वी सी अपॉन 3। इस तरह से ए और बी हम निकाल लेते हैं। अब इन ए और बी की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 8 में, इस इक्वेशन में हम ए और बी की वैल्यू को पुट करते हैं तो हमारे पास जो रिलेशन आएगा वो है आर इज इक्वल टू 8 PC VC अपॉन 3 TC और वी सी इज इक्वल टू 3 RTC अपॉन 8 PC। तो इस तरह से हमारे पास वी सी की वैल्यू आ गई। अब इस वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 9 और 10 में पुट करें तो ए आएगा हमारे पास 27 अपॉन 64 R² TC² अपॉन PC और बी आएगा RTC अपॉन 8 PC। इस तरह से हम ए बी की वैल्यू को इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आप ये देखिए, जो ये इक्वेशन हमने 9 और 10 से हमने ए और बी कैलकुलेट किए, यहाँ वी सी कहीं नहीं है। क्यों? क्योंकि वी सी को प्रैक्टिकली डिटरमाइन करना संभव नहीं है, ये हमने पहले भी देखा था। तो इसलिए हमने यहाँ पर जो है यहाँ हमने वी सी को पी सी और टी सी स्टेप में कन्वर्ट कर लिया। और इस तरह से हमने पहले वी सी को डिटरमाइन करके और फिर हमने उस ए और बी को पी सी वी सी में पी सी टी सी में कन्वर्ट कर लिया। अब हम देखते हैं लॉ ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग स्टेट एंड द रिड्यूस्ड इक्वेशन ऑफ स्टेट। गैसेस का आइडियल बिहेवियर से जो डेविएशन है वो प्रेशर और टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। यानी हम टेम्परेचर और प्रेशर को परिवर्तित करते हैं तो आदर्श व्यवहार से विचलन कम या अधिक हो जाता है। इस स्थिति को दूर करने के लिए वांडरवाल्स ने ताप दाब और आयतन को उनके संगत क्रांतिक ताप, क्रांतिक दाब और क्रांतिक आयतन से विभाजित करके नए चार परिभाषित किए, जिन्हें हम सामान्यित ताप, सामान्यित दाब और सामान्यित आयतन कहते हैं, जिसे हम रिड्यूस्ड टेम्परेचर, रिड्यूस्ड प्रेशर और रिड्यूस्ड वॉल्यूम भी कहते हैं। हम इस ए और बी और आर की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1, 2, 3 से वांडरवाल्स इक्वेशन में पुट करते हैं तो ये देखिए हमारे पास रिलेशन आएगा। वांडरवाल्स इक्वेशन आप जानते हैं, पी प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय बी माइनस बी इज इक्वल टू आर टी। अब हमने यहाँ पर ए बी और आर की वैल्यू पुट की तो ये इक्वेशन हो गई पी प्लस 3 PC VC² अपॉन V² मल्टीप्लाइड बाय वी माइनस VC अपॉन 3 इज इक्वल टू 8 अपॉन 3 PC VC अपॉन TC T। हम इस इक्वेशन को लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड PC VC से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये इक्वेशन देखिए,
लेफ्ट हैंड साइड की जो फर्स्ट टर्म है उसको हमने पीसी से डिवाइड किया और सेकंड टर्म को वीसी से डिवाइड किया, और इसी तरह से राइट हैंड साइड हमने पीसी वीसी से डिवाइड कर दिया। तो जो सॉल्यूशन हमारे पास आएगा वो हमारे पास आया, देखो, पी अपॉन पीसी प्लस 3 VC स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय V अपॉन VC माइनस 1/3 इज इक्वल टू 8/3 T/TC। ठीक है, अब हम दोनों साइड इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास रिलेशन आ जाएगा, और साथ में हम यहां पर P अपॉन PC को पाई के बराबर, V अपॉन VC को फाई के बराबर और T अपॉन TC को थीटा के बराबर लिख देते हैं। तो हमारे पास ये रिलेशन आ गया, पाई प्लस 3/5 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 3 फाई माइनस 1 इज इक्वल टू 8 थीटा। इस तरह से यहाँ पर जो ये पाई फाई और थीटा है इनको हम रिड्यूस्ड प्रेशर, रिड्यूस्ड वॉल्यूम और रिड्यूस्ड टेम्परेचर कहते हैं, और इस इक्वेशन को हम रिड्यूस्ड इक्वेशन ऑफ स्टेट कहते हैं। यदि हमने पाई और थीटा की वैल्यू डिटरमाइन की है तो हम इस इक्वेशन 7 से किसी भी फ्लूइड, चाहे गैस हो लिक्विड हो, उनके लिए हम रिड्यूस्ड वॉल्यूम को डिटरमाइन कर सकते हैं। इस इक्वेशन से ये भी समझ में आता है कि पाई फाई और थीटा क्वांटिटी में से दो के मान दो से अधिक तरल के लिए अगर समान हो तो तीसरे का मान भी उसके लिए समान होगा, और यह लॉ ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग स्टेट या संगत अवस्था का नियम कहलाता है। जब दो तरल के पाई फाई और थीटा के मान समान हो तो उन्हें हम संगत अवस्था में कहते हैं। अब हम देखते हैं संगत अवस्था के नियम का महत्व। तो द्रव के दो महत्व है, पहला, द्रव्य की भौतिक गुणों की तुलना करने के लिए सही स्थिति के बारे में ये नियम हमें बताता है, और दूसरा, ये नियम बताता है कि द्रव्य किसी और परिस्थितियों में ना होकर अगर संगत अवस्था में हो तो उनके गुणों की तुलना करने पर अधिक नियमितता दिखाई देगी। उदाहरण के लिए परम ताप पर कार्बनिक द्रव के क्वथनांक उनके क्रांतिक ताप के लगभग 2/3 होते हैं, अतः क्वथनांक पर ये द्रव लगभग संगत अवस्था में होते हैं। इसीलिए द्रव से भौतिक गुणों का तुलनात्मक अध्ययन सामान्यतः उनके क्वथनांक पर किया जाता है। अब हम देखते हैं क्रिटिकल कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, या जिसे हम कहते हैं क्रांतिक संपीड्यता गुणांक। हम ये जानते हैं कि R इज इक्वल टू, देख रहे हैं आप रिलेशन में, R इज इक्वल टू 8/3 PC VC अपॉन TC, जिसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 8/3 इज इक्वल टू RTC अपॉन PC VC, या हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं रिवर्स करके 3/8 इज इक्वल टू PC VC अपॉन RTC। ठीक है, हम ये भी जानते हैं जो पहले हमने संपीड्यता गुणांक का हमने मान जब हमने आइडियल गैस इक्वेशन में इंट्रोड्यूस किया था तो हमारे पास आया था Z इज इक्वल टू PV अपॉन RT और Z C इज इक्वल टू PC VC अपॉन RTC। ठीक है, तो यानी इस इक्वेशन का जो राइट हैंड साइड का टर्म है, ये आप देख रहे हैं विद इन, है ना, सर्कल, ये जो टर्म है ये किसके इक्वल हो गया, Z C के। इसका मतलब Z C किसके इक्वल आ गया, 0.375। तो इस तरह से ये क्रिटिकल कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर हम कैलकुलेट कर सकते हैं। यदि Z C 0.375 आता है, इसका मतलब गैस वंडरवाल्स गैस है। अब हम देखते हैं रिड्यूस्ड कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। जैसा कि हम जानते हैं कि Z इज इक्वल टू PV अपॉन RT, और हम ये भी जानते हैं कि पाई इज इक्वल टू P अपॉन PC, फाई इज इक्वल टू V अपॉन VC
और थीटा इज इक्वल टू टी अपॉन टी सी। तो हम इस रिलेशन को इस तरह से लिख सकते हैं, देखिए ये पी इज इक्वल टू पाई पी सी, वी इज इक्वल टू फाई वी सी एंड टी इज इक्वल टू थीटा टी सी, ठीक है। अब आर इज इक्वल टू एट अपॉन थ्री पी सी वी सी अपॉन टी सी, ये सारे रिलेशन हमें पता है। हम जेड इज इक्वल टू, जो हमारे पास ये रिलेशन है, इस रिलेशन में अब हम यहाँ से P की वैल्यू, V की वैल्यू, T और R ये सारी वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो ये इक्वेशन हमारी हो जाएगी Z इज इक्वल टू पाई पी सी फाई वी सी थ्री टी सी अपॉन टी सी थीटा एट पी सी वी सी, और जेड आर इज इक्वल टू थ्री पाई फाई अपॉन एट थीटा। इस इक्वेशन का राइट हैंड साइड पोर्शन गैस की नेचर पर डिपेंड नहीं करता है, अतः सब गैस के लिए इक्वल रिड्यूस्ड प्रेशर और इक्वल रिड्यूस्ड टेम्परेचर के लिए जेड की वैल्यू इक्वल है।